राज नियम तो ये भी है कि राज्य की स्त्री किसी पुरुष को स्पर्श ना करे, तो फिर आपने क्यों किया ऐसा सेनापति जी? बेटा ताला खोल दीजिए, बेटा शॉप चाबा को बताओ। कोई ऑप्शन नहीं बचा था बेचारी तारा के पास। अब कैसे भी करके ध्रुव के जिस हाथ कटने वाले हैं एंड शी हैज़ टू सेव ध्रुव। सो यू नो तारा ने अपना बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया और एक सैक्रिफाइस किया, यू नो तीर अपने ऊपर ले लिया। एंड सुकन्या अ वेरी नाइस वेरी क्यूट कैरेक्टर हु हैज़ जॉइंड आवर टीम, हर नेम इज़ आयशा एंड वेरी क्यूट। आई कांट वेट फॉर यू गाइज टू सी हर, शी इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब, शी इज़ वेरी क्यूट। तो वो तीर चलाती है एंड तारा तीर अपने ऊपर लेती है और उसको घाव हो जाता है, बट शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि ध्रुव तो बचा ही लेगा। तो ऐसे कुछ सीन था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि ध्रुव की बेगुनाही बोल सकते हैं कि वो भी साबित हो चुकी है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे, आगे क्या देखने मिलेगा, क्योंकि अब तो पता चल गया कि ये डॉक्टर हैं और जो भी उनका प्लान है वो आगे इसी तरह चलता रहेगा, आप क्या कहना चाहेंगे? सेनापति बॉल फेंके जा रहे हैं एंड वी आर नॉकिंग इट आउट। तो सेनापति शांत तो नहीं रहेंगे, अभी ये एक चीज हमने सॉल्व की है, आगे तो बहुत कुछ होने वाला है। भाई जी का उपचार होने में ही आई एम श्योर ये बहुत विलम्ब आने वाले हैं और बहुत हर्डल्स आने वाले हैं, बट वी आर स्ट्रॉन्ग एंड तारा इज़ नॉट गोइंग टू गिव अप। ध्रुव एंड तारा मिल के यू नो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, सो लॉट ऑफ गुड थिंग्स कमिंग अप। रिया यहाँ पर हम देखते हैं कि शो में बहुत ही शुद्ध हिंदी आपको बुलवाई जा रही है, आपके डायलॉग्स जो कि काफी अच्छे भी लगते हैं, लेकिन आपसे जानना चाहूंगी कि कितनी मुश्किल होती है आपके लिए सीखना या फिर, क्योंकि आमतौर पर तो हम इन सारे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट होता है? डिफ़िकल्ट नहीं, क्योंकि मेरा पहला शो भी था इसके पहले, उसमें भी काइंड ऑफ ऐसी हिंदी थी एंड आई थिंक आई एम प्रीटी हैबिचुअल नाउ। तो अब तो इनफैक्ट ऐसा हो गया है कि मैं नॉर्मल अपने डेली लाइफ में भी मेरे मुंह से कभी कभी ये शब्द निकलने लगते हैं। देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स जब अगर हमारे स्क्रिप्ट में मेरे कोई सिंपल वर्ड्स भी लिखे हुए हो तो मुझे ऐसा लगता है ये तो बहुत सिंपल हो गया या ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा उर्दू हो गया, यू नो आई नो अ बेटर वर्ड देन दिस, सो आई एड ऑन यू नो समटाइम्स। सो मुझे इतनी आदत हो गई है अब, सो थैंक्स टू आर राइटर्स एक्चुअली, उन्होंने मेरी हिंदी बहुत अच्छी कर दी है एंड आई एम रियली एन्जॉइंग इट ऑनेस्टली, आई एम हैविंग फन।